हेलो बच्चों, मैं शशि चंद्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद चंद्रा शशि में। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की कहानी का नाम है गिलहरी। गिलहरी आप सभी ने देखी होगी, ये रही गिलहरी। आपकी छत पर भी आती होगी गिलहरी, आंगन में भी आती होगी। तो बच्चों, आज की जो कहानी है गिलहरी, ये जो आपकी मिशन बुनियाद के तहत जो हिंदी की किताब है, कक्षा तीसरी, चौथी और पांचवी, तीनों क्लास के बच्चों के लिए है, तो उसी में से ये कहानी ली गई है गिलहरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। उससे पहले बच्चों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी गिलहरी। रविवार का दिन था। कौन सा दिन था बच्चों? रविवार का। रविवार वाले दिन क्या होता है? स्कूल की छुट्टी होती है, ठीक है। मीनू घर के आंगन में खेल रही थी। मीनू कौन है? मीनू है एक प्यारी सी लड़की। देखो, ये रही मीनू, दिखी आपको? ये रही मीनू, ठीक है। घर के आंगन में खेल रही थी। उसके साथ आस पड़ोस के बच्चे भी खेल रहे थे। जब आप खेलने जाते हैं घर के आंगन में, या घर के आंगन में खेलते हैं या बाहर, तो आपके दोस्त भी जो आस पड़ोस में रह रहे होते हैं, वो भी आपके साथ खेलते हैं ना। इसी तरीके से मीनू भी अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। खेलते खेलते मीनू की नज़र एक गिलहरी पर पड़ी। गिलहरी के पैर में चोट लगी थी। मीनू ने खेल बीच में ही छोड़ दिया। मीनू गिलहरी की तरफ भागी। उसने गिलहरी को गोद में उठा लिया, क्योंकि गिलहरी के पैर में चोट लगी हुई थी, ठीक है। उसने एक खाली गमले में गिलहरी को रखा। उसके पैर में थोड़ी सी साफ मिट्टी लगाकर उसके पास गेहूं और पानी रख दिया। थोड़ी देर में गिलहरी फुदक कर क्या हुई? भाग गई। देखो, ये रही गिलहरी, दिख रही है आपको? देखो, ये रही गिलहरी। अब दिखी आपको? ये रही गिलहरी की पूंछ, और ये रहे उसके कान, ठीक। और ये रख दिया उसने पानी, और थोड़े से गेहूं के दाने डाल दिए इस गमले में, ठीक है। तो ये थी गिलहरी। अब करते हैं इसका अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न क्या है बच्चों? देखो, पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई मात्राओं का प्रयोग करते हुए शब्द लिखिए। तो देखो, अई की मात्रा लगाई गई है, जैसे सायर, ये है अई की मात्रा। ये देखो, यहाँ दी गई है ना, ये है अई की मात्रा, और ये किसकी मात्रा है? इसकी मात्रा है, मतलब इसकी, इस तरीके से लगाते हैं। तो चलो, एक उदाहरण के लिए आपको दिया गया है सैर, तो आप क्या लिख सकते हैं? दूसरा टायर, ठीक है। और लिख सकते हैं पायर, और क्या लिख सकते हैं? यहाँ लिख सकते हैं तैयार। क्या लिख सकते हैं? तैयार, ठीक है। अगला देखो, अगला है मोर। ओ की मात्रा जो है वो लगानी है, तो मोर, मोर में आप और क्या लिख सकते हैं? चोर लिख सकते हैं, मोड़ लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं? घोड़ा भी लिख सकते हैं, तोड़ा, थोड़ा, कुछ भी लिख सकते हैं। ये हो गए ओ की मात्रा के। अब देखो, औ की मात्रा के, ये है औ, ठीक है, और ये है औ की मात्रा। तो अब इसके शब्द लिखते हैं। एक दे रखा है मौसम, ठीक है, मौसम दे रखा है। आप और क्या लिख सकते हैं? औरत लिख सकते हैं, औरत। और क्या लिख सकते हैं? कौन, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं? मौन भी लिख सकते हैं, मौन। ये हो गए तीन। अगला देखो क्वेश्चन, कहानी में रविवार की बात हुई है, आप सप्ताह के बाकी दिनों के नाम लिखिए। तो कितने सप्ताह में कितने दिन होते हैं बच्चों? 7 दिन होते हैं, ठीक। तो एक हमको दे रखा है, अब हमको कितने और लिखने हैं? 6 लिखने हैं। तो यहाँ पर नंबर दूसरा कौन सा आएगा? सोमवार, ठीक। अब नंबर तीसरा मंगलवार। नंबर चार क्या होगा? नंबर चार होगा आपका यहाँ पर बुधवार। बुधवार, ठीक है। नंबर पांच कौन सा होगा?
वीरवार, ठीक है, या फिर इसको बृहस्पति वार भी कहते हैं, वीरवार और बृहस्पति वार, ठीक है। फिर आएगा कौन सा, नंबर 6, यानी शुक्रवार। ठीक है, फिर आया नंबर 7, नंबर 7 है आपका कौन सा, शनिवार। ये हो गए सातों नाम। अब देखो, आप कौन कौन से अनाज से बनी हुई चीज़ें खाते हैं। गेहूं से खाते हैं, और किससे खाते हैं, मक्का से, ठीक, और किससे खाते हैं, बाजरा से, बाजरा की रोटी, बाजरा के लड्डू ये बनता है, और मक्का हो गया, और क्या हो गया, चना से बेसन बनता है, और दालें हो गई, दालें भी खाते हैं आप, और जौ से, जौ भी पड़ता है गेहूं के आटे में या वैसे भी, ठीक है, जौ से भी बनी आप चीज़ें खाते हैं, जैसे सत्तू वगैरह हो गया। आगे देखो, नीचे दिए गए जानवरों की सूची में कौन से जानवर उछल कूद करते हैं और कौन से जानवर उछल कूद नहीं करते, उनके नाम अलग अलग लिखिए। तो देखो, यहाँ पर दो कॉलम दिए गए हैं, एक दे रखा है उछल कूद करते हैं जो जानवर उनके नाम लिखने हैं, और एक कॉलम दे रखा है उछल कूद नहीं करते हैं उन जानवरों के नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर दे रखे हैं ये जानवरों के नाम, गाय, शेर, गधा, गिलहरी, हाथी, खरगोश, बिल्ली, चूहा, कुत्ता, ऊँट, घोड़ा, बंदर, हिरन, कंगारू। तो इनमें से आपको छांट कर लिखने हैं उछल कूद वाले। तो सबसे पहले हम उछल कूद वाले जो जानवर हैं, जो कि इस कॉलम में आएंगे, उन पर गोला लगाएंगे, और आप फिर उन जानवरों के नाम अपनी किताब में इस वाले कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। उछल कूद जो करते हैं वो कौन कौन से होते हैं बच्चों, गिलहरी, खरगोश, कंगारू, हिरन, बंदर, बिल्ली और चूहा, इनके नाम लिखेंगे आप इस कॉलम में। अब जो दूसरे वाले हैं, उछल कूद नहीं करते, वो आप इस वाले कॉलम में लिखेंगे, जिनको मैं हरे रंग से सर्कल बनाऊंगी, जिन पर, वो आपको इस कॉलम में लिखने अपनी किताब में, गाय, शेर, गधा, कुत्ता, ऊँट, घोड़ा और ये हाथी, ये आपको लिखने हैं उछल कूद जो नहीं करते उस कॉलम में, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो और आखिरी, गिलहरी क्या क्या खाती है लिखिए। तो गिलहरी क्या खाती है बच्चों, मूंगफली, मूंगफली खाती है, और चना, फल, ये सब आदि खाती है, आदि खाती है, ठीक है, रोटी भी खा लेती है गिलहरी। तो बच्चों, ये था आपका अभ्यास प्रश्न, ठीक है। और कैसी लगी आपको कहानी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे उन्हें भी इसका अभ्यास और इस कहानी को करने में आसानी हो।